थाना शिकोहाबाद एवं सर्विलांस टीम द्वारा हुई हत्या की घटना का अनावरण करते हुए मुख्य अभियुक्त यशपाल को किया गया गिरफ्तार। थाना शिकोहाबाद व सर्विलांस की टीम को घटना के सफल अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था। उपरोक्त के क्रम में आज तमामी इलेक्ट्रॉनिक एवं भौतिक साक्ष्यों को एकत्रित करते हुए टीमों द्वारा बारीकी से इलेक्ट्रॉनिक व भौतिक साक्ष्यों का एनालिसिस किया गया तो पाया कि मृतक की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी। मृतक का प्रेम प्रसंग एक महिला से चल रहा था, जिससे महिला का पति परेशान था और महिला के पति द्वारा अपने साले के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया गया और घटना स्थल से चला गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो उसके द्वारा जुर्म का इकबाल करते हुए बताया गया कि मृतक सुनील कुमार मेरी पत्नी से गलत नजर रखता था। मैंने उसे कई बार समझाया लेकिन जब वह नहीं माना तो मैंने घटना को अंजाम दिया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है। देखिए, 22 तारीख को शिकोहाबाद कस्बे के सुभाष नगर मोहल्ले में एक डेड बॉडी का पता चला था। मौके पर पुलिस गई, वहां देखा गया कि एक व्यक्ति की गला काट करके हत्या कर दी गई है और उसके बाद हम लोगों ने उसके बाद शव को पीएम वगैरह के लिए भेजा। वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई, हमारी टीमें लगी इस घटना के खुलासे के लिए। टेक्निकल सपोर्ट टीम हमारी काम करना शुरू की। फाइनली हम लोग को ये पता चला कि अवैध संबंधों के चलते ये हत्या हुई है, जिसमें जो मृतक था उसका एक सपना नामक महिला के साथ अवैध संबंध थे। उससे उसका पति सुनील, उसका पति यशपाल नाराज था, जो एटा का रहने वाला है, अभी जयपुर में वर्तमान में नौकरी करता है। यशपाल और उसका साला हजारी और उसकी एक साली दया, इन तीनों ने मिलकर प्लान के तहत सुनील की हत्या कर दी थी। हम लोगों ने यशपाल को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी दोनों वांछित जो हैं उनके लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। हम लोगों ने मौके से आला कत्ल बरामद किया है। बाकी जो ये हमारे ये थे जो मुलजिम हैं, इनसे मृतक का मोबाइल बरामद हुआ है। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।